छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये उनके जो आह्वान किया गया है कि देश में बढ़ती महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस जनों के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन पिछले महीने भर से किया जा रहा है और उसी के तत्वावधान में आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सुभाष चौक पे महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी कांग्रेस जन पूरे देश में फैली महंगाई के लिए इसका विरोध करते हुए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की झूमने वाली सरकार का आँख खोलना चाहते हैं, इसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार 2014 में और 2019 में पूरे देश के सभी लोगों को, चाहे युवा वर्ग हो या किसान हो या और आम जनता हो, सभी नीतियों के वजह से किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए खाद्य पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, दाल के दाम, तेल के दाम, सभी के भाव इतने बढ़ चुके हैं, जितना शासन काल कांग्रेस का था उसमें इतना नहीं बढ़ा था। जिस समय कांग्रेस के शासन काल में थोड़ा सा भी बढ़ता था भाजपा के सारे पदाधिकारी, स्मृति ईरानी और जो बड़े बड़े नेता सड़क पे उतर के हो हल्ला मचाते थे और हो हल्ला मचा कर कोसते थे कांग्रेस को। और अभी मोदी सरकार जब से आई है तब से महंगाई के साथ साथ सभी पदार्थों में मूल्य में वृद्धि है और रोजगार बढ़ गई है। किसानों के लिए टाइम।